हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार झा और आप देख रहे हैं विपिन झा मिथिला यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दोस्तों, ये जो बटन देख रहे होंगे नीचे वाला जो है कंपनी तरफ से, ऊपर वाला मैंने लगा रखा है। तो अगर जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हो तो ये बटन के बारे में आपको जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हो तो ये बटन देखो। ये दोस्तों टेम्परेचर का मीटर गेज है, जिसे गाड़ी कितना गर्म हुआ ये बताता है। उसके बाद दोस्तों ये सब जरूरी है, यह प्रेशर, ये अभी 8 पे है, 6 पे कम से कम होना जरूरी है। 6 से ऊपर होगा तभी गाड़ी में ब्रेक लगेगा। इसमें दोस्तों दो होता है, एयर का दो होता है, एक ये, एक ये डीजल का हो गया, ये आपका किलोमीटर का है, ये RPM का है दोस्तों। तो ये बटन आपको जानना जरूरी है। इसमें से आपको दो बटन का ध्यान रखना जरूरी है, एक एयर का और दूसरा क्या नाम है उसका, टेम्परेचर। उसके बाद ये गियर लीवर है, आपको मालूम ही है ये 1 2 3 4 5 6 होता है और एक बैक गियर होता है। गियर कैसे लगाना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं आपको कैसे गाड़ी चलाना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों साइड ग्लास देखना है कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। आप इसमें देख सकते हो एक बस आ रही है। जब आपको शीशे में गाड़ी रोड क्लियर दिखे तभी आप, मैंने पहला गियर लगा रखा, साइड में कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए मैं अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ मैं और एक्सीलेटर दे रहा हूँ मैं। इससे क्या होता है गाड़ी आगे चलने लग जाता है। लेकिन साइड ग्लास देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि साइड अगर आप ऐसे रोड पे निकालोगे या पीछे से कोई गाड़ी आ जाएगी तो एक्सीडेंट होने की चांस हो जाती है। इसलिए जब रोड क्लियर हो तब गाड़ी रोड पे निकाल ले। उसके बाद आप गियर चेंज करते जाए, उस पहला गियर से दूसरा गियर, दूसरा गियर से तीसरा गियर, फिर आप चौथा गियर, ऐसे करके आपको 6 गियर लगाना है और आपको गाड़ी रोड पे चलाना है। अब जैसे मैं तो चला रहा हूँ लगातार इसलिए मुझे पता है, लेकिन आपको पता नहीं है इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि ये अब दो पट्टी दिख रहा होगा, दोनों पट्टी के बीच में गाड़ी रखना है। अभी मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड में दो पट्टी है, उस दोनों पट्टियों के बीच में चल रही है। तो इसको ये आप दिख रहा होगा, ये दोनों पट्टियों के बीच में गाड़ी चल रहा है। ये कैसे चलाते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। फिलहाल आप ये देख लो कि मैंने बीच में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। आप ज़बरदस्ती लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक ही लाइन में चलते रहे जब तक कि कोई सामने गाड़ी ना आ जाए और उसको आप ओवरटेक करना नहीं चाहते हो, तब तक लाइन एक लाइन से दूसरे लाइन में चेंज ना करें। अब दूर से ही दिख रहा है कि मेरे गाड़ी के लाइन में एक गाड़ी चल रही है जिसकी स्पीड कम है। अब ये ओवरटेक क्यों करना पड़ता है दोस्तों? ओवरटेक जैसे आम लोग भी आप देख सकते हो, ओवरटेक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप जो स्पीड में चल रहे हो सामने वाला उस स्पीड में नहीं चल रहा है, स्लो स्पीड में चल रहा है, तो इसलिए आपको ओवरटेक करना पड़ेगा। इसलिए मुझे भी ओवरटेक करना पड़ेगा अभी, लेकिन मेरे साइड से गाड़ी लगातार निकल रहा है इसलिए मुझे अपनी गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा। तो अब देख रहे हो लगातार गाड़ी जा ही रहा है, इसलिए मुझे गाड़ी को स्लो करके जब मेरे बाजू में कोई गाड़ी ना हो तब राइट साइड लेके इसका ओवरटेक करते। जैसे अभी देखो एक कार दिख रहा है, लगातार कंटिन्यू गाड़ी आ रहा है, तो मैंने इसका ओवरटेक कर लिया। अब ओवरटेक करने के बाद, क्योंकि दोस्तों ये हाईवे है, ये घर का या गाँव का रोड नहीं है कि गाड़ी कम आता होगा, आप देखना कितनी गाड़ी आएगी धराधर, क्योंकि ये हाईवे है, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा हुआ रहता है, इसलिए इसको थोड़ा गैप दे, उसके बाद अपनी लाइन में आप देखते रहे गाड़ियों पे गाड़ी। आप साइड मिलर में आप देख सकते हो गाड़ी पे गाड़ी आ रही है, तो जब तक ये रोड क्लियर ना हो तब तक लेफ्ट साइड ना ले। अब रोड क्लियर लग रहा है लेकिन फिर एक गाड़ी दिख गई, इसलिए आपको अपनी ड्राइवर साइड वाले लाइन में ही गाड़ी चलाना है। ये ज़्यादातर जो नई गाड़ी सीखने वाले भूल जाते हैं और राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट आ जाते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ ध्यान में रख लिया तो अब आसानी से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो। और बाकी आगे की बात अगले वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।